कर्मियों पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला अलवर के रेणी थाने में दर्ज हुआ है। पीड़िता ने आरोपियों पर 2 साल से शोषण का आरोप लगाया। तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोपियों पर पोस्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी कांस्टेबल अविनाश मीना और राजू रेणी थाने में कार्यरत है, जबकि तीसरा आरोपी सिपाही मानसिंह जाट 1 साल पहले से मालाखेड़ा में है। राजू कुछ समय DSP कार्यालय राजगढ़ में भी कार्यरत है। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी 2 साल से बेटी से दुष्कर्म करता आ रहा है। आरोपी उसके भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहा है। के तीन पुलिसकर्मियों पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का जो मामला है वो अलवर के रेणी थाने में दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोपियों पर 2 साल से शोषण का आरोप भी लगाया है। तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर लिया गया है। आरोपियों पर पोस्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज भी किया गया है। बता दें कि आरोपी कांस्टेबल अविनाश मीना और राजू रेणी जो है वो तो थाने में ही कार्यरत है, जबकि तीसरा आरोपी जो है वो सिपाही मानसिक जाट 1 साल पहले से मालाखेड़ा में है। राजू जो है वो कुछ समय DSP कार्यालय राजगढ़ में भी कार्यरत रहा है। पीड़िता की मां ने भी बताया है कि आरोपी पुलिसकर्मी 2 साल से बेटी से दुष्कर्म करता चला आ रहा है। आरोपी जो है उसके भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी भी लगातार पीड़िता को देते रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन जुड़ गए हैं। सुदर्शन, यहाँ पर 3 पुलिसकर्मियों पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? काफी हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से सनसनीखेज ये मामला है। और अगर यहाँ हम बात करें तो 3 जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला जो है वो रेणी थाने में दर्ज हुआ है। और आरोपी जो है वो 2 साल से पीड़िता को यौन शोषण कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। और जो तीनों आरोपी हैं पुलिसकर्मी उनको फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है, साथ साथ में पॉस्को एक्ट की जो धाराएं हैं उनमें भी केस दर्ज किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक कांस्टेबल है अविनाश मीणा और राजू, ये दोनों जो हैं ये रेणी थाने में अब भी यहाँ पर कार्यरत हैं। और जिस तरीके से आपने कहा, तीसरा जो आरोपी है मानसिंह जाट, वो 1 साल पहले मालाखेड़ा में पोस्टिंग उसकी हो गई थी, वो वहीं पर पोस्टेड है। और राजू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कुछ समय DSP का जो ऑफिस है, CO ऑफिस है, वहां पर भी उसने काम किया है। और जो आरोप लगाने वाली जो पीड़िता है उनकी माँ है, उनका ये कहना है कि 2 साल से जो आरोपी है वो दुष्कर्म करते हुए आ रहे थे पीड़िता के साथ में, और उन्होंने जो पीड़िता का भाई है उसको भी आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी, इसीलिए जो परिवार था वो पहले डरा रहा, लेकिन अब ये मामला जो है ये सामने आया है। देखिए, 2 साल से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, पीड़िता की मां का बयान भी सामने आया है। नाबालिग जो है वो 2 साल से चुप थी और अब इस बात का खुलासा किया। देखिए, अभी मामले की जांच चल रही है और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसके चलते जो ज्यादा जानकारी है वो अभी यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई है। जैसे ही मामले में अपडेट सामने आएगा हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद।